ओके सो एज यू ऑल गाइस नो, आई मीन आपको शायद पता है शायद नहीं पता है कि मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। बेसिकली अभी मैं जमुना पार में रहता हूँ, तो मेरी एक आदत है सब पुरानी दिल्ली वालों की होती है, वो रामलीला जाने की। आई मीन नॉट रामलीला फॉर द रामलीला, फॉर ईटिंग एंड मेला टाइप जो लगता है लाल किले के पास। सो इस साल मैं नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो टुडे इज द लास्ट डे, सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड गो देयर अलोन। आई डू हैव अ काउंसलिंग सेशन ऑल्सो एंड इवनिंग में है, बट जहाँ पे आज आतिशबाजी होती है विच इज़ लाइक यू नो दिवाली डे है, पटाखे फूटते हैं, नॉल पोल्यूशन अलर्ट है ना, तो वैसे आतिशबाजी टाइप होती है वहाँ पे, विच इज़ वेरी अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटिफुल टू वॉच। सो आई एम टू ट्राई एंड गो देयर अलोन, सो लेट सी इफ आई एम एबल टू गो देयर और आई फेल मिजरेबली मिजरेबली। Alright, so just came back from some work and एक पेमेंट भी उठाई थी मेरे को बिकॉज आई वर्क आई हैव अ कंसल्टेंसी ऑफ माई ओन। अंकल बात कर रहे हैं, बिजी इन हिज ओन टॉक्स। सो आई हैव अ कंसल्टेंसी ऑफ माई ओन, तो उसके अंदर आई टेक पेमेंट एंड आई गिव पेमेंट टू द पीपल हु आर वर्किंग अंडर मी एंड हु वर्क फॉर समवन एल्स। इट्स सिंपल कंसल्टेंसी वाला काम है, सर्विसेज वाला। सो उसके अंदर द गर्ल टुक एन हॉलीडे ऑफ लाइक अराउंड 3 days off, though she was sick, and the client has now detected the money. मतलब client ने इतना भी नहीं सोचा कि यार बंदी बीमार थी, तो थोड़े पैसे में नया काटू, कोई भाई चलो हो जाता है, इंसान है, बीमार पड़ जाते हैं, छुट्टियाँ लेनी पड़ जाती है, कोई बात नहीं, just 2 or 3 days. So they striked off the money, and now I am in a dilemma whether should I, कि मैं भी क्या पैसे काटूँ अपनी employee के जो मेरे under काम कर रही है उन लोगों के लिए। और but this is हाउ ऐसे लोग हैं आजकल दिल्ली में तो खासतौर पर। एंड इफ यू सी देयर हाउस, आई डेंट शो यू बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेसी इशूज हो जाते, बट घर इतना शानदार आली शान, सब पैसा पड़ा है जेब में, लेकिन नहीं 1500-1500 रुपये काट के हमें अपनी औकात दिखानी है। पता नहीं कहाँ से आते हैं साले ऐसे। चलो छोड़ो, आई एम गोइंग ऑफ टू सम अदर सेशन नाउ, बट माई एम फॉर द डे रिमेन्स द सेम, कि मुझे रात को जाना है। ओके सो अभी क्या हुआ, एक अंकल ना यहाँ पे पानी से ना अपनी स्कूटी धो रहे थे, तो ऑब्वियसली आई हेट पीपल हु वेस्ट वाटर, तो मुझे समझ नहीं आया मैं करूँ क्या, उनको ऐसे मना भी नहीं कर सकता बिकॉज वो बुरा मान जाते हैं ना एवरीथिंग एल्स। मैंने क्या करा, मैं वहाँ पे ना उनकी स्कूटी के पास आया, खड़ा हो गया। सो ऑब्वियसली कि मेरे पानी ना, ही हैड टू स्टॉप, तो वो रुक गए, तो पानी तो एटलीस्ट बच गया। सो अब मैं जा रहा हूँ करकटडूमा, मेरे घर के पास ही है, वहाँ पे एक ऑफिस है DSSB का, विच इज़ स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन दिल्ली। तो वहाँ जाए कुछ काम है छोटा मोटा है ना, तो वहाँ जाएंगे कुछ काम करेंगे एंड देन, बट रिमेंबर माय जटायु गया ऐसा लगा। ओके वेट, अभी दिखाता हूँ, 1 call 2 call एंड शी विल बी हियर। पुचू देखा, आ गई ओके सो इट्स 8:25 बाय माई क्लॉक, में अभी भी फ्री हुआ हूँ काम से, बट आई एम स्टिल गोइंग बिकॉज आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू। सी यू गाइस, नेक्स्ट शॉट जो आएगा वो वहीं का आएगा। ओके सो मेरे पास 3 options है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। व्लॉगिंग बहुत डिफिकल्ट होती है दिल्ली में, 1, 2 और 3 भाजा भटके। ओके सो जैसे जो यही है वो रामलीला जहाँ मैं बचपन से आया करता हूँ, ये श्री धार्मिक रामलीला है, एंड पीछे जो थी वो नवसी धार्मिक लव कुश थी,
आई एम नॉट शोइंग यू माय फेस क्योंकि अंधेरा बहुत है, तो लाइटिंग देखो यार थोड़ी सी यहाँ की, रौनक शौनक देखो, मजे लो। जो लोग दिल्ली नहीं आ पाते वो ऐसे मजे ले लो। ये कोई ना कोई एक्टर यहाँ पे जो रोल प्ले करता है लाइक ऑलवेज, सो वेरी बेसिक। एंटर करते हैं फिर बताता हूँ आपको। तो एंट्री करना है, बहुत बड़ा टास्क होता है यहाँ पे, चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, उसके साथ साथ यू नीड टू हैव अ पास टू एंटर हियर, विदाउट पास डोंट अलाउ यू। यही थोड़ी फैसिलिटी मेंटेन करने के लिए जगह की। आई एम इनसाइड नाउ, लेट मी शो यू, बच्चे बेचारा हुआ बेटे, चलो ठीक है ओके। तो लेट्स सी कैसा होता है यहाँ पे, आसन करी शायद हो ही नहीं है, बट द शो इज स्टिल गोइंग ऑन, मेरी आवाज में शायद नहीं आ रही होगी, लेकिन व्हाटएवर इट इज लेट्स गो। तो अभी दो लोग हैं मुझसे पूछ से क्या मैं ब्लॉगर हूँ, मैंने कहा हाँ मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। लकीली मेरे लाइट शो नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, एंड लेट्स वेट फॉर द दशहरा सेलिब्रेशन टू बिगिन। भैया कितने की है? 200 दे दो यार, वहाँ से कूपन लेकर आओ। हाँ नहीं बोल भैया, एक कूपन दे दो। वाह भाई वाह, लाओ 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 लाओ, दो दो दो। अरे एक ही बहुत था यार, मैं इकलौता ही आया हूँ यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे तो क्या होता है, हर बार जब भी मैं आता हूँ तो मेरे स्कूल की लड़की या फिर मेरे लड़का जरूर दिख ही जाता है, बिकॉज मैं स्कूल पास में ही रहता था, रेंज में ही था हैप्पी स्कूल के नाम से। सो लेकिन जो भी दिखता है ना, या तो साले आधे मैरिड हो चुके हैं या उनके बच्चे उनके साथ आ रहे होते हैं, और मैं तो खैर मैं ही हूँ, तो ये फ़र्क है बस। तो नाउ वेट करते थोड़ा सा आतिशबाजी के कार्यक्रम के लिए, थोड़ा दूर होते खड़े हो जाते हैं, बिकॉज लोग यहाँ पे तो पास में खड़े हैं ना, ये लोग ये जो इतने पास पास खड़े हैं इनको सब सिक्योरिटियाँ दूर कर दिया ना, थोड़ा दूर खड़े होते हैं, लेट्स सी हाउ द आतिशबाजी गोस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगले 12 महीने मुझे आज्ञा हुई है कि सुमन जी जहाँ कहीं भी, सुमन जी जहाँ कहीं भी हो ओके सो फाइनली मेड इट, हो गया आतिशबाजी हो चुकी है, इट्स ओवर नाउ, नाउ गोइंग टू द सेकंड रामलीला। वहाँ पे आतिशबाजी भी हो चुकी होगी आई सपोज, मस्ट बी ओवर, लेकिन बस जस्ट टू हैव यू गाइस अ लिटिल बिट ऑफ नो हाउ कि कैसे होती है यहाँ पे चीज़ें, तो सी द एम्बियंस है, थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा एलीट लोग आते हैं बिकॉज महंगी जगह है। मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया, जैसे गायत्री भी खाई है, बिकॉज आई एम मीटिंग ऑन अ बजट,
डैम इट, आई वांट टू शो द प्लेस ऑल्सो जहाँ मैं अभी खाने के लिए जाऊँगा। लोग देख रहे हो अपने में मस्त हैं, कोई ध्यान भी नहीं। वैसे अगर मैं ब्लॉग करता हूँ लोग जरूर देखते जरूर हैं, या तो मैं ही नहीं आ रहा, अंधेरा बहुत है। चलो एनीवेज चलते हैं नंबर टू में। बेटा तू ना खाने वाली चीज को पिज्जा, गंदा जोक। नाउ आई हैव टू गो ओवर देयर, लवकुश रामलीला वहां पर है। अभी मैं आया श्री नफसी धार्मिक से और उससे पीछे थी श्री धार्मिक, जैसे लवकुश रामलीला। चलो अंदर जाते हैं देखते हैं, कोई खास पास की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। इट्स ऑल लाइक आओ अपने और जाओ। डेफिनेटली वॉचिंग दिस शो, थोड़ा बहुत देखूंगा क्योंकि वैसे हेयर नहीं। हाँ पूरा मेरा कैमरे के आगे आ जा पूरा आ जा क्या। So finally I am out of the Ramlila, all the Ramlila. So I hope you guys loved the essence of the Shahra in Delhi. अगर पसंद आया तो यार लाइक मारना अभी, एंड लेट्स सी अगर मैं कुछ खाना खाने जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। फिर तो मुझे रोड पार करनी, बड़ा मुश्किल है रोड पार करना, बिकॉज कूद फान से रोड पार करनी पड़ेगी वरना बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी स्कूटी जो है, यस मैं स्कूटी से आया हूँ, मैंने जो स्कूटी है मैं पार्किंग में लगाई है, पार्किंग बहुत ज़्यादा दूर है। तो आई हैव टू वॉक जरूरत से ज़्यादा, कुछ खाया नहीं है, सिर्फ आइसक्रीम खाई है, वो भी साली बच जाएगी अब लग रहा है। यहाँ पे मुझे लूप होल मिला है। भाई गाइस तो व्हाट ब्रिंग्स मी हियर इज के यहाँ पर ना एक्चुअली में जो चीज़ रामलीला में 400 की मिलती है वो 200-250 में मिल जाती है। सो मैं कंजूस नहीं हूँ, आई एम जस्ट बींग स्मार्ट, क्योंकि टेस्ट यहाँ का भी लगभग वैसे ही होता है जैसे कि वो अंदर का होता है। अंदर बस ये कि बैठने जगह मिल जाती है और यहाँ पर थोड़ा सा खड़े हुए खाना पड़ता है, जैसे ऐसा तो कुछ नहीं, अंदर भी खड़े हुए खाना पड़ता है। मतलब ये वाली बात है कि बस अंदर थोड़ा एम्बियंस अच्छा होता है, यहाँ थोड़ा अंधेरा है जैसे आप देख ही रहे हैं। बट सो लेट्स ट्राई। वैसे तो आई वॉन्टेड टू हैव नान एंड काठी का, काठी का बड़ा फेमस है यहाँ का, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया है, बस अकेला हूँ तो इसलिए मैं भी ये बेट शोर मचा दो बेफालतू का। चलो कोई बात नहीं, नाउ लेट्स हेड बैक टू होम। यार बहुत देर हो गई है यहाँ पे। ये थी दरीबा कलान मार्केट। तो मैं चाड़ी बाजार से बाहर निकल आया हूँ, जो मैं जब सबको दिखाया वो चाड़ी बाजार था, पीछे उसका मेट्रो स्टेशन यू कैन सी, एंड आई एम हेडिंग बैक टू होम फाइनली। यार बहुत देर हो गई है, सो लेट्स गो होम। कट, दिस वॉज माई स्कूल, या यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्कूल, दिस यूज टू बी माई स्कूल, आई मीन ऑलराइट।